बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं महबूब इलेक्ट्रिक डीए भाई। दोस्तों, एक बिजली का आप मेन मीटर देख रहे हैं और दूसरी साइड पे एक फ़ैन हीटर है हमारे पास 2000 वाट का। तो फ़ैन हीटर को हम डायरेक्ट जो है मीटर के ऊपर चला के देखेंगे कि एक घंटे के अंदर अगर फ़ैन हीटर घर में चलाया जाए, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सर्दियों का मौसम है, तो एक घंटा अगर फ़ैन हीटर कमरे में चलाया जाए तो ये कितने बिजली जो है ख़र्च होती है, ऐसे कितने यूनिट इस्तेमाल करता है, तो सारा कुछ जो है इस वीडियो में आप देखेंगे। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इसका सारा जो ख़र्च है आपको आपके सामने आ जाएगा। ये फ़ैन हीटर जो होता है इसमें थोड़ा सा बिजली का जो ख़र्चा होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप इसको मुकम्मल फुल स्पीड के ऊपर अगर आप इसको चलाते हैं तो ये 2000 वाट बिजली जो है इस्तेमाल करता है। मेन बिजली वाला जो मीटर आप देख रहे हैं, इसकी आउटपुट वाली साइड पे हमने कनेक्टर लगाया हुआ है, तो उसमें जो है इसका शू डायरेक्ट हम लगा दें, कनेक्टर के अंदर इसका शू जो है लगा देंगे। ये बिजली वाला मेन मीटर है, क्योंकि जो चेक मीटर होता है उसका जो यूनिट बताने का एक तरीका होता है वो सही नहीं होता। चेक मीटर से आप सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी चेक मीटर की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो इसको हम फुल स्पीड के ऊपर रखेंगे, दो का निशान लगा हुआ है इसकी बॉडी के ऊपर, तो फुल स्पीड के ऊपर इसको हम रख के इसको हम चलाएँगे और देखेंगे कि ये एक घंटे के अंदर जो है कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। ये हमारे पास क्लैंप मीटर है, तो इसके आप अम्पेयर देख सकते हैं कि 7.3835 जो है अम्पेयर ले रहा है, तकरीबन 7.5 अम्पेयर के लगभग ये बिजली जो है इसमें इस्तेमाल हो रही है। और आप टाइम देख सकते हैं कि 2:58 जो है इस वक्त हमारे पास टाइम है। और इसके बाद जो है मीटर की स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखाएँगे कि हमारे जो मीटर है हमारे पास इसके यूनिट कितने चले हुए हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर। ये मीटर का नंबर है, इसके बाद जो है मीटर के नंबर के बाद फौरन इसकी रीडिंग होती है। ये आप देख सकते हैं कि 87.64.25 जो है इसकी रीडिंग है इस वक्त, 87.8764.25 और 2:58 के ऊपर हमने जो है इसको ऑन किया है हीटर को। तो हम इसके जो है 25 पॉइंट चलाएंगे, क्योंकि 100 पॉइंट का इसका एक यूनिट बनता है। ये जो आप मीटर देख रहे हैं इसका अगर 100 पॉइंट होते हैं इशारिया के आगे, 99 के बाद जब ये 99 के बाद 100 मुकम्मल होते हैं पॉइंट इसके, तो एक यूनिट जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। 25 के ऊपर हमने इसको स्टार्ट किया था, इस वक्त 28.64 हो चुके हैं। मेन बिजली वाला जो मीटर होता है इसके ऊपर हमने वीडियो इसलिए बनाई है हमारे, ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल को देखने के लिए देखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने की हमने कोशिश की है कि इसके ऊपर उनको अंदाज़ा हो सके कि हम जो घर में इस्तेमाल करते हैं हीटर, तो एक घंटे के अंदर जो है वह कितने यूनिट इस्तेमाल करता है। तकरीबन हीटर को चलाए हुए तकरीबन 5-6 मिनट हो चुके हैं, तो 5-6 मिनट के अंदर हम देखेंगे कि कितने पॉइंट इसके जो है खर्च हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 8764.25 के ऊपर हमने इसको चलाया था, तो 40 पॉइंट इसके जो हो चुके हैं, 15 पॉइंट इसके चले हैं तकरीबन 6 मिनट के अंदर। 100 इसके 100 पॉइंट का एक यूनिट बनता है, तो हम इसके 25 पॉइंट जो है हम चेक करेंगे, तो उसके बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि एक घंटे के अंदर ये कितने यूनिट बिजली जो है इस्तेमाल होती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि 41 हो चुके हैं, और साथ साथ जो है आप टाइम भी देखेंगे, इस वक्त आप देख रहे हैं कि 48 पॉइंट हो चुके हैं। तो 25 पे हमने स्टार्ट किया था, इस वक्त 49 पॉइंट हो चुके हैं, एक पॉइंट रहता है, एक
पॉइंट जो हमारा रहता है 25 पॉइंट में से, तो टाइम हमने आपको दिखाया था 2:58 पे हमने शुरू किया था, इसको चलाया था, ऑन किया था। इसके बाद जो ये मीटर नंबर है, इसके बाद जो है इसकी रीडिंग आएगी, आप देखेंगे, ये देखें 8764.50, 25 पॉइंट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। और आप टाइम देखें कि 3:08 हो रहे हैं, 2:58 के ऊपर हमने इसको ऑन किया था, यानी कि 10 मिनट के अंदर इसके 25 पॉइंट चले हैं। ये मीटर जो आपने देख रहे हैं 10 मिनट के अंदर 25 पॉइंट, यानी कि 40 मिनट के अंदर ये एक यूनिट इस्तेमाल करेगा आपका जो हीटर है 40 मिनट के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि 8764.25 के ऊपर हमने इसको ऑन किया था 2:58 के ऊपर, तो 10 मिनट के अंदर 25 पॉइंट इसके इस्तेमाल हुए। इसका मकसद ये हुआ कि 40 मिनट के अंदर ये एक यूनिट इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि एक घंटे के अंदर 1.5 यूनिट बिजली आपकी खर्च होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा देना।